कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। यूए की पीटीए विच इज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने कर दी है पबजी बैन। और रीजन क्या दिया? अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, केसेस ऑफ सुसाइड एट्रिब्यूटेड टू पबजी गेम हैव बीन रिपोर्टेड। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट हैज आल्सो डायरेक्टेड पीटीए टू लुक इनटू द इशू एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द कंप्लेंट्स इन दिस रिगार्ड। अ हियरिंग इज बीइंग कंडक्टेड ऑन 9th ऑफ जुलाई 2020। के सुसाइड के कुछ केसेस कोर्ट में दर्ज हुए हैं जिनका पबजी से ताल्लुक है। मतलब बंदा इनसे पूछे कि हजारों लाखों में स्टूडेंट्स हर साल अनएम्प्लॉयमेंट, स्टडीज का प्रेशर, स्टडीज का ओवरबर्डन, इन वजह से इतने सुसाइड होते हैं। इंस्टीट्यूट तो बैन नहीं किया यार आप लोगों ने, क्योंकि लॉजिक तो आपकी यही है। जिसने सुसाइड कर लिया वो पबजी प्लेयर था, उसके फोन पे पबजी इंस्टॉल थी, तो ब्लेम लगा दो पबजी पे, ब्लेम लगा दो गेमिंग पे कि उसकी वजह से जो है उसने सुसाइड किया। मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं कि उसके घर वाले उसको गेम से ज्यादा डिप्रेशन देते थे। मतलब मुझे एक बात, जिन लोगों को नहीं पता, पबजी और इवन बाकी वीडियो गेम्स भी कंपेटिटिव प्लेयर्स, यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स की फुल टाइम जॉब है, जिससे वो अर्निंग करते हैं, अपना घर संभालते हैं। अरसलान ऐश, सुमेल पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर्नामेंट खेले हैं। अरसलान ऐश जापान जैसी डेवलप्ड तरीन कंट्री पे पाकिस्तान का नाम फैला गया है, टेकन 7 फाइटिंग गेम के अंदर वर्ल्ड चैंपियन जीत के, वर्ल्ड चैंपियन। मतलब पूरी दुनिया से वो टूर्नामेंट है, जीता कौन? पाकिस्तानी। पहले पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से किसी चीज में टॉप आता है, और जब यंग लड़के जापान जैसी कंट्री में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनकी गेम में बैन कर दो भाई, सुसाइड रेट बढ़ गया यार। स्पीकिंग ऑफ यार, पबजी में और इस तरह की वीडियो गेम्स में यंग लड़कों का करियर है, बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है यार, ये लॉलीवुड हॉलीवुड बच्चे हैं गेमिंग इंडस्ट्री के सामने, कभी गूगल करो यार, बैन करो। तो यार ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और ये गेमिंग में बैन करने से यार आपका मुल्क डेवलप नहीं करेगा, ठीक है? आपका मुल्क ऐसा नहीं दिखेगा, ना ही यार यहाँ पे स्पेसशिप आ जाएगी, ना ही यहाँ पे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, ना ही यहाँ का पेट्रोल सस्ता होगा, ना ही यहाँ पे लोगों को जॉब मिलनी शुरू होगी। सिर्फ ये पीटीए शीटीए की स्टूपिडिटी साबित होगी और कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, आपने यूथ का दिल दुखाया गेमें बैन करके। इतू सा मुल्क है यार हमारा, इतू सा। आप इसको वर्ल्ड मैप पे अगर कंपेयर करो ना, तो आपको इतने बड़े बड़े चाइना और ये इंडिया और ये यूरोप नजर आएगा, बीच में हमारा इतना सा पाकिस्तान है, उसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन है। और वो आवाम जब फुल फ्रस्ट्रेटेड स्कूल कॉलेज से यूजलेस अनऑर्गेनाइज्ड लेक्चर सुन के आती है, तो ये पबजी और ये गेमें शेमें उनकी छोटी छोटी खुशियों में से एक है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर करती है, और आपने वो खुशी उनसे छीन ली है। इन्हीं नोज है, और पीटीए को कंप्लेंट्स आई हैं कि पबजी इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एडिक्टिव, और ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है लोगों को नेगेटिवली। तो मेरे ख्याल में जो हमारे टीवी पे न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये सारी चीज़ें मुझे फील करवाते हैं, ये मुझे एडिक्टिव लगते हैं, मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगते हैं, वो साइकोलॉजिकली तो उनका इम्पैक्ट होता ही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस, और फिजिकली भी अगर आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं तो आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं या कौन से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे टीवी से भी फील होती। तो न्यूज़ चैनल्स तो पहले हो चुके, अगर यूट्यूब पे किसी और शख्स ने, तीसरे बंदे ने कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ डाल दी तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब स्पेस जलेगा, फिर जाके कोई और बात होगी। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क, एंड यू एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, टेस्ला एंड यूट्यूब स्पेस आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एनी टाइम सून, आई होप। और फेसबुक को बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप अपने सर्वर्स लाएंगे और जो हम आपको बोलेंगे, जो कंटेंट हमें ऑब्जेक्शनेबल लगेगा उसको आप रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पर काम करने की इजाज़त है, वरना आप पे जुर्माना लगेगा और हम आपको यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। यू हैव टू सेटअप ऑफिसेज इन पाकिस्तान एंड यू हैव टू सेटअप योर सर्वर्स इन पाकिस्तान। ये हमने बोला था गूगल, ट्विटर और फेसबुक को एक साथ। उनका जवाब आया एक साथ कि हम जा रहे, बाय बाय। बैन करना या साइलेंस करना, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को पता नहीं किस चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक दुनिया में वबा आई हुई है, पेंडेमिक है, बिजली है नहीं, पीआई ये दुनिया में बैन हो गई है, और पता नहीं 100 तरह के मसले हैं, और बाहर की दुनिया ने इस सारे मसले का ये सोल्यूशन निकाला कि हमने रेट कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा फ़ोन पे क्या देखता है और क्या खेलता है। हमें ये लगता है कि कोई नहीं खेलेगा पबजी, बैन कर देंगे इसको, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पबजी के स्टाइल के 50,000 गेम्स हैं, जो कैजुअल गेमर्स हैं उनको एक दिन नहीं लगेगा स्विच करने में, लेकिन जिस बंदे ने मेहनत की है, सालों लगाए, वो पबजी के सर्कल्स में जाना जाता है, रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, उसके तो लग गए लसन। बैन करके क्या उखाड़ लिया? सो अपना नुकसान करने के आपने क्या उखाड़ लिया? इसके अलावा वो जो भी कंटेंट उस टाइम अपलोड हुआ था वो आप रिक्वेस्ट करके रिमूव भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा यूट्यूब बैन कर दो, आप पूरी की पूरी पबजी बैन कर दी है। भाई जितने भी गेमर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, वो खेल के डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं ना, पाकिस्तान का ही फायदा हो रहा है उससे, लेकिन नहीं, हमने कौन सा फायदा करना है? अगर हमने मुल्क का फायदा कराना होता तो हम आज कहां पे होते, लेकिन हम तो यहीं पे बैठे हैं। मुल्क में इतने मसले हैं, पेपाल आज तक पाकिस्तान में नहीं ला सके हम, एजुकेशन का मसला है, ठीक है, अभी पीआईए में जो चल रहा है वो सबको पता है, कोरोना के केसेस नीचे
नीचे आने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी का हमारा हम सबको ही पता है, लेकिन स्टेप्स क्या लिए हुकूमत ने? पबजी बैन कर दो। क्या अगर हम यूनिवर्सिटीज को देखें पाकिस्तान की, सालाना कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, मेंटली जो उनके प्रेशर डाला जाता है उससे कितने बच्चे सुसाइड करते हैं? उसकी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है ना, ऐसे आंखें बंद है सबकी, हम नहीं देख रहे भाई। हम इस तरह तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है, इंटरनेट के भी फायदे हैं नुकसान भी है, तो क्या करें हम फिर पूरा इंटरनेट ही बैन कर दें? आ जाओ पत्थरों के जमाने में चलें सारे वापस पीछे। अगर ऐसी अगर सब कुछ चलता रहा, बैन ही करना है आपने सब कुछ, तो फिर तो हो गया बिजनेस, फिर तो ये अमेजोन पेपाल ये नेटफ्लिक्स वगैरह ये तो भूल जाओ, अगली 2-3 सदियां नहीं आना इन्होंने। बैन करके आपने उखाड़ क्या लिया मुझे बस ना कोई ये बता दे भाई। जोक आप पबजी बैन कर दो, कल को कुछ और बैन कर देना, भाई ये बैन बैन खेलते रहो और फिर ट्विटर पे जाके ना रिक्वेस्ट करो टेस्ला आप प्लीज पाकिस्तान में आ जाए, नेटफ्लिक्स आप भी आ जाए, पेपाल आप भी आ जाए, लेकिन हम गारंटी कोई नहीं देते, हमारा जब दिमाग होंगे हमने आपको बैन कर देना, आपका बिजनेस जाए मार्क। बल्कि अगर हम पता नहीं ये किस तरीके से सोचते हैं कि अच्छा अगर हम कर दें पबजी को बैन तो मेरे ख्याल से शायद हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, हमारा PIA भी ठीक हो जाएगा, हमारी रेलवे भी ठीक हो जाएगी, हमारा हर गरीब बिल गेट्स बन जाएगा, हमारा हर बच्चा एलोन मस्क बन जाएगा। पता नहीं किस तरीके से क्या सोच होती है, क्या लॉजिक होती है, पूरे की पूरी चीज बैन कर दो भाई। मेरी तो माइकल जॉर्डन स्टॉप इट गेट सम हेल्प।